चुनावी वादों के नाम पर नेता कई ऐसे वादे करते हैं जिन्हें वो कभी पूरा नहीं कर पाते, लेकिन कुछ नेता जीतने के लिए इतने बेताब हैं कि वो ऐसे ऐसे चुनावी वादे कर बैठे जिन्हें सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आप देखिए तमिलनाडु के मदुरे से संवाददाता सिद्धार्थ एमपी की ये रिपोर्ट। तमिलनाडु में चुनाव है। चुनाव जीतने के लिए सत्तारूढ़ एआईडीएमके ने 6 एलपीजी सिलेंडर देने और सोलर स्टोव देने का वादा किया है। वहीं सत्ता में अपनी जगह बनाए रखने के लिए डीएमके ने जरूरतमंदों को एजुकेशन लोन देने का वादा किया है। लेकिन इन दोनों ही पार्टियों को इस बार दक्षिण मदुरई में एक निर्दलीय उम्मीदवार कड़ी टक्कर देने वाला है। सर्वानंद ने ऐसे ऐसे वादे किए हैं कि अगर ये वादे सच में पूरे हो जाएं, तो आप भी मदुरई शिफ्ट होने के लिए सोच सकते हैं। अब क्या है ये वादे, चलिए आपको ये बताते हैं। सर्वानंद ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया है कि अगर वो चुनाव जीते तो वो लोगों को 3 मंजिला मकान देंगे जिसमें स्विमिंग पूल भी होगा, घर के खर्च के लिए हर साल 1 करोड़ रुपए भत्ता देंगे, 20 लाख की एक कार देंगे, एक छोटा हेलीकॉप्टर देंगे, घर में काम करने के लिए एक रोबोट भी देंगे, हर किसी को एक आईफोन देंगे और भी बहुत कुछ। लेकिन सर्वानंद के जो चुनावी वादे हैं वो आप कभी सपने में सोच भी नहीं सकते। तो ऐसा उन्होंने क्यों किया है ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल सच ये है कि सर्वानंद मतदाताओं को जागरूक करने के लिए एक मुहिम चला रहे हैं। उनका कहना है कि पार्टियों के झूठे वादों में न फंसकर लोगों को विकास के मुद्दों पर वोट देना चाहिए। वो सरना साउथ से करके खड़ा हुआ है, सरवण कुमार करके, उसने पार्टी को मतलब पब्लिक को एक जुमला बताया है कि घर घर हेलीकॉप्टर और स्विमिंग पूल देंगे, आईफोन देंगे। अभी लोगों को तो काम चाहिए, जॉब चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अभी स्विमिंग पूल का बात कर रहा है मगर पब्लिक को पीने का पानी नहीं आ रहा। आपदा में 2-3 दिन पानी आ रहा है, वो पानी घर घर पानी दो, इससे कुछ होने वाला नहीं है। वो तो सब वोटों के लिए कुछ भी बोलेंगे तो वो कर भी नहीं सकते है। यही वजह है कि सर्वानंद ने अपना चुनाव चिन्ह डस्टबिन यानी कूड़ेदान को चुना है, क्योंकि पार्टियां चुनाव जीतने के बाद अपने वादों को कूड़ेदान में ही तो डाल देती हैं। ये बताना चाहते हैं कि जनता जो चाहती है वो न देकर पार्टियां उन्हें वादों के झूठे जाल में फंसाने की कोशिश करती हैं। उसने इनडायरेक्टली ही समझाया है कि आप जनता के लिए कुछ करिए और आप प्रॉमिस वही कीजिए जो आप कर सकते हैं पूरा, और जनता के लिए अगर आप कोई काम नहीं कर सकते हैं तो आप उल जुलूल इस तरीके से वादे मत कीजिए जिससे कि आने वाले कुछ दिनों के बाद में जनता को बहुत बुरा लगता है। दरअसल ये कटाक्ष डीएमके को लेकर है जिन्होंने चुनाव के पहले फ्री टीवी का वादा किया था। वहीं ये कटाक्ष एआईएडीएमके को लेकर भी है जिन्होंने 2016 में फ्री मोबाइल फोन बांटने का ऐलान किया था। हेलीकॉप्टर से हमको क्या फायदा, हेलीकॉप्टर वगैरह हमको नहीं चाहिए, हमको तो ग्राउंड लेवल पे काम चाहिए। ग्राउंड लेवल पे क्या चाहिए पब्लिक के लिए, वही चाहिए बस। अभी हेलीकॉप्टर से घर से हमको कोई फायदा नहीं है। इस बार भी एआईजीएमके ने वॉशिंग मशीन, बच्चों की पढ़ाई के लिए 2 GB फ्री डेटा और लैपटॉप, मिक्सर ग्राइंडर, ऐसे कई बड़े बड़े वादे किए हैं और सर्वानंद का यह अभियान इन्हीं वादों की खिल्ली उड़ाने के लिए चलाया जा रहा है। सर्वानंद तमिलनाडु के बड़े बड़े जो राजनीतिक दल हैं उनके वायदाओं को मजाक उड़ाना चाहते हैं और तमिलनाडु के वोटर्स को ये कहना चाहते हैं तो अगर आपको मुफ्त में कोई मिलता है तो उसको मत वोट डालो। आप अपने उम्मीदवारों को देखकर जो आपके लिए काम करता है, जो आपका ठीक सेवा करता है, उनको अपना वोट डालो। वीडियो जर्नलिस्ट जोसेफ के साथ सिद्धार्थ एमपी। यहां रुक रहे एक और ब्रेक। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।